व्हाट इज अप गैंग, वेलकम अगेन। कैसे आप लोग? शानदार। तो मैं भी शानदार। तो आज तारीख है आज 25 नवंबर तारीख है, 24 नवंबर तारीख है। और अभी हम निकल रहे हैं टॉम, मैं और मेरा कज़न। कल मैंने निकल क्यों रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या वोटिंग भी, और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ सोलो राइड भी जाएगी। तरह से रिटर्न में मैं सोलो आऊँगा इसलिए, तो सोलो राइड की प्रैक्टिस जाएगी। और मैंने कल एक्सोर की जैकेट ली है, अभी दिखाता हूँ अभी मैं। ये तो यह एक्सोर की जैकेट ली थी मेरे भाई, बहुत अच्छी है। पीछे इसमें लेवल 2 के सारे गार्ड्स हैं। ये जैकेट, इसमें रेनकोट फ्री मिला है मुझे। बाकी ये मेरा सामान है, ये मुझे पैक करना है, बैग में डालना है। दो से तीन दिन तक रुकूंगा मैं वहाँ पे। 25-26 को जाऊँगा, फिर 29 को मेरा बर्थडे है, तो मैं भी या फिर वहाँ रुक सकता हूँ या फिर यहाँ बनाऊँगा, वो अभी डिसाइड नहीं है। और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमें अभी हेलमेट भी लेके आना है, किसी के पास हेलमेट रखा हुआ है वो वाला हेलमेट लेके आना है, ठीक है। सो गाइज, नाश्ता वास्ता हो गया, 2-3 दिन पैकिंग वैकिंग प्रॉपर हो चुकी है। भैया ये पहनेंगे, वो पहनो, राइडिंग जैकेट, चश्मा ले लिया, माउंट लगा दिया, वो बैग है, वो उसमें वापस आधा टाइम कुछ सामान आएंगे इसलिए वो वाला लिया है। अभी भी ये जारी चाय, एक एक चूस की चाय की मारेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। बाकी एक जगह रुकेंगे और भैया चलेंगे हमारे साथ, मानशु भैया। हाँ, सेठ आदमी जो सोना चांदी पहन रखा है, तो हमें बड़े बड़े लोग, गरीब आदमी के साथ बड़े लोग जा रहे हैं। और बाकी रूट में वो देखेंगे कि अच्छी जगह होगी तो वहाँ रुकेंगे, बढ़िया चाय पे पियेंगे, आराम से जाएंगे। बिल्कुल 1 घंटे का ऐसा तो बोला जाता है, 1 घंटे में आराम से पहुँच सकते, लेकिन हम 1-1.5-2 घंटे में धीरे धीरे बिल्कुल बातें बातें करते करते मस्त मौसम के साथ जाएंगे। क्योंकि डेस्टिनेशन टोंक है, उसके आगे के जाना नहीं है। उसके अगर आगे जाने का प्लान वहाँ जाके फाइनल होता है कि हाँ, एक दूसरे का बता रहे हैं कि माधोपुर रोड रूट पर है, पर मैं सोच रहा हूँ वो उस टाइम क्लियर करूँ, कवर करूँ जब मैं सारा माधोपुर जाऊँगा। तो अभी निकल रहे हैं, ठीक। तो ऐसे जगह हमारे साथ जा रहे हैं भैया, इस तरह से जाएंगे पैकम पूक हो गए। तो अभी हम नहीं, रेडी हो चुका हूँ। देखो जैकेट वैकेट डाल ही लिए मैंने, बाकी शूज़ वगैरह सब रेडी है अपन। ये बैग से ये जा रहे हैं सामान, ये जा रहा है। और अभी हम निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पहले तो हम यहाँ से लक्ष्य से मिलूंगा, थोड़ा सा लक्ष्य कोई काम है वो बोल रहा था 2-5 मिनट बैठना, उससे लेके फिर हम रिंग रोड से होते हुए निकल जाएंगे डायरेक्ट। मान जो रेडी है, इनके पास रेडिंग जैकेट नहीं है क्योंकि मैंने भी कल ही ली है, तो अभी इनको भी, इनका परमानेंट नहीं है अभी, तो मैं पहली राइड अभी आगे जाएंगे तो आगे भी दिला देंगे। अभी इनका पहली राइड है, अगर इनका मूड बनता है कि आगे भी करनी है तो फिर इनको भी राइडिंग जाएगी, भी दिलाई जाएगी, शूज़ वगैरह भी ले जाएंगे। और अभी मैंने भी शूज़ लिए, अभी तो मैं नाइक के पहन रहा हूँ फुल वाले, मुझे भी लेदर लेने चाहिए थे बट अभी मुझे मिले ही नहीं अच्छे वाले। और फिर मैं सोचा ये 4,000 उसमें लाऊंगा, सोचा है कि अप्रोक्स 5,000-6,000 के आसपास, 5,600 की कुछ बताया मुझे राइडर के शूज़, वो ले लूँगा बेटर रहेंगे मेरे लिए, ठीक। अपन निकलते हैं, अमाउंट लगा नहीं रहा, मैं थोड़ा आगे वहाँ रुक के लगाऊंगा कि लक्ष्य सेट करेगा, उसको पता है एंगल थोड़ा बैठ नहीं रहा मेरे से, तो वो सेट कर देगा, ठीक है। ठीक, चलो निकलते हैं अपन। अभी हम निकल चुके हैं राइड के लिए, अब यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप लिया था, लक्ष्य आया था उसके साथ, फिर अब हम निकल रहे हैं टोंक के लिए। तो मेरी पहली क्या दूसरी राइड है, ये तीसरी भी नहीं, तीसरी राइड है जो मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। एक बार, इस बार मैं गेट्स वगैरह के साथ कर रहा हूँ। देखो आप, ग्लव्स नहीं पहने अभी क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर बाद में पहन लूँगा मैं, ठीक। अभी थोड़ा पसीना वसीना आ रहा है इसलिए मैं थोड़ी देर उतार लिए, है ना, अपन पहन लेंगे। और अभी यहाँ से करीब करीब 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कवर करना है हमें, ठीक। भैया बैठे हैं पीछे, आप कांच में दिखे गए होंगे आपको। बाकी रिंग रोड पकड़ लिया हमने, करीबन 1 घंटे, 1-1.5 घंटे है, तो 1 से 1.25 घंटे का सफ़र, बट हम इसको थोड़ा स्लोली आराम से 1.5-2 घंटे में करेंगे, रुक रुक के, ठीक। तो चाय ब्रेक लेंगे, बढ़िया घूम तुम तो जाएंगे हम, है ना। और बाकी तो इन्जॉय करना है बस राइड को, जरूरी नहीं है कि भाई डेस्टिनेशन ही पहुँचनी है। जैसे कई सारे लोग बताते हैं कि एम ये नहीं होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन पहुँचना, आपको एक्सप्लोर करना है रूट को, हम वही कर रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे रूट को इस तरह से, ठीक। और अभी हम चलेंगे 50-60, अब थोड़ी देर बाद में स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक। और मैंने Insta360 भी ले रखा है, जब मुझे लगेगा कि भाई कैप्चर करने सीन, उसी टाइम Insta360 ले लेंगे, है ना। 400 के अंदर आ चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा अच्छा सा नज़ारा दिखाता हूँ। देखो अभी व्यू कैप्चर हो रहा है ना भैया, हो रहा है सब कुछ। ये डैम है इस तरफ, और अभी हमने अंदर का रास्ता इसलिए चूज़ करा कि शॉर्ट पड़ता है। जैसे मैं, आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा जब मैं टोंक आया था, उस व्लॉग में बताया था कि कुछ 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, 7, पहले मैंने 7 बताया था शायद आपको, अब व्लॉग में नहीं है, मैंने देखा नहीं। बाकी व्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, उसमें फर्स्ट व्लॉग था मेरा बिसलपुर से पहले वाला, गोइंग टू होम टाउन वाला टाइटल था उस पर, ठीक, उस पर था। अब ये व्यू है भाई साहब, और ये ऐसा लगता है जब हम कोई जैसे रणथंभौर वगैरह जाएंगे ना, पहाड़ आसपास पेड़ वगैरह, ऐसा सुंदर सा व्यू लगता है, बहुत सुंदर।
यहाँ पे कई बार नील गाय भी दिख जाती है, पर अभी दिखेगी नहीं, पता नहीं क्या। करीब करीब 30 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी यहाँ से, बाकी है कितना किलोमीटर, 50 के आसपास बाकी है। तो और अभी हमने लिया चाय ब्रेक, दो चाय मंगवाई, पानी बोतल ली, फिर हम निकलते सीधा, फिर कंटिन्यू रहेंगे। अब यहाँ चलाएंगे थोड़ा सा गाड़ी, फिर बाद में बाकी आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। अभी वापस लिया हमने ब्रेक, ये देख काज में दिख रहा हूँ, वापस लिया हमने ब्रेक। ब्रेक क्यों भैया, ऐसे गाड़ी स्विच कर रहा हूँ भैया, अगर सुसू सामने व्यू भी आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इंचा 360 लगा लेता हूँ यार। अब मैं इंचा 360 लगा रहा हूँ इसमें, है ना, और हेलमेट में इसको खोल के अभी दिखाता हूँ, लगाता हूँ किधर को फुल कर रहे थे इंचा 360 हम। ये देखो रुको, पहले इसको हटा लेता हूँ, अभी बनाएंगे नहीं नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना। मैंने इतने मेहनत करी थी, मां जी मैंने एक बार खोल लिया, हेलमेट ढीला कर दिया होगा, मैंने ढीला कर दिया था इसलिए खुल गया। आपसे निकलता आपसे पूरा खोलना, हाँ पूरा निकाल दो उसको, निकल गया ठीक है। आ रहा है सब पूरा, तो गाइस आप लोग आप नजारे के चलना है ना, वो ऑन है मेरा कैमरा, मज़ा आएगा, रिएक्शन भी कहते होंगे।
है पागल होगा, ट्रैवलिंग कराऊंगा, ट्रैवलिंग तो सही है। जय श्री राम। हाँ बोले ना, तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, बताता हूँ आपको कोई बुला के बताऊँ सब कुछ। जिस पहुँच गए हम, है ना, हम हो चुके हैं। टाइम क्या हुआ दिन में? आप थोड़ा दिन बच गया, हम आराम से आए थे। बनास में रुके नहीं, बस बनास के स्टोर्स लिए, कुछ आसपास के रिएक्शन मिले। दादा दादी ऊपर भी नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे पीछे देखता हूँ, एक सेकंड खोला नहीं जाता। दादाजी बाहर है पीछे, मजू हाँ अरे दो अभी चेंज चेंज करते, फिर बात करते चाय वाय पीते। भाई हो गया सीन, गवर्नमेंट की गाड़ी गवर्नमेंट ने ठोक दी, प्राइवेट लोग परिवहन ने ठोक दी भाई, खचा खच। वो गए हमारे भैया जी पता करने, क्या सीन है, क्या बताना, मैं क्या हुआ, उतारा जा रहा उसको, सीन हो गया, सीन हो गया। आजा आजा आजा, एक और बनाया भाई प्लीज। अरे तो मारे कुटी थोड़ी हो रही है, जो माहौल बन गया। चलो ना, चल मतलब नहीं खा, चलो चलो। देखो देखो ये देखो, ये लोग ये कहते हैं अपने आप को जॉर्डन, जॉर्डन ये पहनता है, ये वाला जॉर्डन पहनता है, ये जॉर्डन ये वाला 200 रुपए वाला जॉर्डन पहनता है, 200 रुपए वाला सेल वाला जॉर्डन, जॉर्डन नहीं बॉर्डन। यस यस यस, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अरे ये तो मेसी का है, कॉटन बना कर रहा है। मासी का है, मासी का है, भरतपुर वाली मेसी काला, मासी टोंग वाली, मासी टोंग वाली, ये ले लो अच्छा लग रहा है। देख ज्यादा इतने खास नहीं थे, ये अच्छा लग रहा है, डरावना वाला। अरे ऐसा पहन जो ब्रांड मिले, वही तो चाहिए, फोटो खींच दे लोग, बोले हाँ भाई हाँ सिग्नर इसका ले ले। बड़ू कह रहा था यार, बोले ना चंद्र लोग, ये ले ले एडिडास बाहर रे, बोलते छपरी नहीं बनना मेरे को, आदिबास और पुमा गुमा, वो ज्यादा पुमा नहीं होगी, जैसे भी लिखा हुआ है। अरे देखना तू इधर क्वालिटी, पबजी भी है, पबजी भी है। अरे नहीं छपरी है तो, हाँ देख ले फाइनल कर ले, तो ऐसा बढ़िया मेसी का, मासी ले ले, मासी सही लग रहा है। अरे ये सही लग रहा है, तो ये सही लग रहा है, मिक्की माउस झूल रहा हूँ।
मिक्की माउस झूल लूंगा। आंटी नहीं है बच्ची वो यार। सुन वो लड़की है ना बैठी बैठी चिंटन में क्या बोले आंटी को देखो चप्पल ले लो अपनी वाली के लिए। तो अपन ने कर दिया बिजनेस चालू। भैया ये आएगा आपके एक नंबर। मैं 100 रुपए से ऊपर नीचे नहीं लूंगा। रेट गिराइए इंसान देख के रेट गिराते हम। इंसान देख के रेट बढ़ा नीच किए अब गिरानी पड़ रही है देख लो समझ रहे हो आप। ले लो भाई 100 रुपए। गाइस रात के बजे 10 तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो फाइनली और अभी मेरे जस्ट आ गए हम 10 बज गए हैं सब। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहुत लेट हो गया है। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगा मैं और फिर सो जाऊँगा। अब एडिटिंग करता हूँ नहीं करता मैं डिपेंड थोड़ा रील्स को रोक के सो जाऊँगा। फिर आपको मिलते हैं फिर से नए व्लॉग में कल वाले। और कल मैं वोटिंग देने जाऊँगा तो उस पर भी व्लॉग बन सकता है बनाऊँगा मैं ट्राई करूँगा मैं। ठीक है होप यू एंजॉय इट। और एंजॉय करा है तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कमेंट में अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी है वो बता के जाना। ठीक है।